हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और देखिए दोस्तों, आज आपके साथ शाम का रूटीन शेयर कर रही हूँ अपना। ये बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो डाल रही हूँ क्योंकि तबीयत ऐसी हो रही है, तो आज भी छोटी सी वीडियो ही डालूँगी। देखिए, शाम की पूजा हो गई है और कान्हा जी को भी सुला देते हैं दूसरे वाले रूम में, इसी रूम में जहाँ पर हम सोते हैं, तो वहीं पर एक कान्हा जी को सुलाते हैं। तो देखिए, मंदिर का थोड़ा सा लुक जोत जगा दी थी मैंने और पर्दा चेंज करके मैंने ये सोफ़े के कवर वाला पर्दा लगा दिया था। और देखिए, शहरी किचन के बाहर बैठा हुआ है और कुछ ना कुछ से भूख लगती है शाम के टाइम, तो ये यहीं बैठ जाता है आके और इशारा देता है कि मुझे भूख लगी है, तो खीरा वगैरह से काट कर दे देते हैं हम। और देखिए, अभी मैं किचन में आ गई हूँ और मैंने अरबी को ना काट कर धोकर अच्छे से बीच में से काट के फ्राई कर लिया है पहले ऑयल में। तो अरबी की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं, पूरी रेसिपी शेयर नहीं कर रही आपके साथ। अरबी को मैंने फ्राई करके पहले ही निकाल लिया था और इसमें लहसुन और अदरक और प्याज का पेस्ट है जिसे मैं भून रही हूँ अच्छी तरीके से, और अच्छे से मसाले को भूनिए, नहीं तो कच्चा टेस्ट आता है सब्ज़ी में, अच्छा नहीं लगता। और टमाटरों को देखिए, दो मैंने टमाटर लिए, इन्हें भी पीस लिया है जो मैं सब्ज़ी में ऐड करूँगी। और मसाला देखिए अच्छे से भी भून रहा है, ब्राउन हो रहा है, तो इसको अच्छे से भूनना बहुत ज़रूरी है अरबी के मसाले को। और अरबी को फ्राई करके ही खाएँ, ऐसे कच्चा बनाएंगे ना आप तो गले में खराश होती है, तो एलर्जी करती है अरबी, तो प्लीज़ आप लोग फ्राई करके ही बनाइए। और देखिए, इसमें मैं सूखे मसाले ऐड कर रही हूँ, प्याज वाले मसाले में हल्दी, नमक, मिर्च और सूखा धनिया वगैरह, जो चीज़ आप डालना चाहें ना मसाले आप डाल सकते हैं। मैंने अपना तरीका शेयर किया है आपके साथ कि मैं कैसे अरबी की सब्ज़ी बनाती हूँ। कई लोग इसमें दही भी डालते हैं पर मेरा गला ख़राब है तो मैंने दही नहीं डाला, वैसे दही डलता है इसमें तभी जो अरबी का टेस्ट आता है। तो देखिए, मसाला अच्छे से भुन गया है, अभी इसमें टमाटर भी ऐड करने हैं, अभी किए नहीं है ये देखिए। तो हल्दी, नमक, मिर्च वगैरह मैं पहले भून लेती हूँ मसाले के साथ, फिर टमाटर ऐड करती हूँ। अभी सारे टमाटर भी इसमें ऐड कर दूँगी अच्छे से मिक्स करके। ग्रेवी को अच्छे से भूनना है पानी डाल डाल कर। और ये ना मैंने कद्दूकस किया था मसाला, मिक्सी में नहीं पीसा था। और देखिए, कैटल में मैं पानी भी गर्म कर रही हूँ ताकि मैं मसाला भून के फटाफट से इसमें गर्म पानी ऐड करूँगी सब्ज़ी में, और दो विसल में हमारी सब्ज़ी बनकर रेडी हो जाएगी। और देखिए, मसाला अच्छे से भुन गया था, घी छूट गया था उसका, और जो अरबी मैंने फ्राई की थी वो मैंने मसाले में ही ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स कर दिया। तो पानी आप अपनी आवश्यकता के अनुसार डाल सकते हैं। मैं तरी थोड़ी पतली रखती हूँ इसकी, क्योंकि ये गाढ़ी हो जाती है अरबी की सब्ज़ी, फ्राई हो रखी है ऑलरेडी वैसे भी। और देखिए, अच्छे से भून लेना है इसको भी मसाले के साथ। और अभी कैटल वाला गर्म पानी ही इसमें मैं ऐड कर रही हूँ आवश्यकता के अनुसार। तो आप इस तरीके से जल्दी सब्ज़ी बनानी होती है ना, तो एक तरफ पानी गर्म करके रखिए, फटाफट से उसमें उबाल आता है और एक विसल दो विसल में आपकी सब्ज़ी बन जाती है। तो रात का टाइम था, मुझे जल्दबाजी थी तो मैंने ऐसे ही किया। तो ये भी एक छोटा सा टिप्स है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो मैं अधिकतर ऐसे ही करती हूँ, मैंने कैटल रखी नहीं है अंदर, तो गर्मियों में मैं यूज़ करती हूँ। देखिए, बाद में सब्ज़ी बन गई थी, मैंने इसमें कसूरी मेथी ऐड करके बंद कर दिया था कुकर, और कलर देखिए कितना अच्छा आया सब्ज़ी का। और ये चटनी बना रही हूँ मैं, ग्रीन चटनी, इसमें धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, प्याज और लहसुन भी डाला है। सब कुछ अच्छे से मिक्स करके ना मैं इसको पीस रही हूँ, धनिया की चटनी। और तरी वाली सब्ज़ी के साथ ना थोड़ा चटनी अच्छी लगती है और मुँह का टेस्ट थोड़ा ऐसे ही हो रहा है, तो इसलिए चटनी भी बनाई मैंने। इसमें आम डाला था, कच्चा आम, और दो तीन सूखी लाल मिर्च ऐड की है, और काला नमक डाला है इसमें, सफ़ेद नमक डालेंगे, थोड़ी सी हींग भी डाली है और जीरा। तो आप अपने अनुसार चटनी जिस तरीके से भी बनाएं तो ज़रूर खाएं गर्मियों के दिनों में चटनी बनाकर। तो मैं भी इस तरीके से बनाती रहती हूँ चटनी, और एक दो दिन के लिए बना के रख लेती हूँ तो चल जाती है एक दो दिन तक। देखिए, हींग भी मैंने इसमें ऐड कर दिया बाद में, और इसमें हल्का सा पानी डालकर मैं अच्छे से इसको पीस लूँगी। और देखिए, चटनी बनकर तैयार है बिल्कुल, और बहुत टेस्टी चटनी बनती है, आप इसमें दही भी डाल सकते हैं। और देखिए, किचन का काम ख़त्म हो गया था, और मछलियाँ देखिए दो ही रह गई, हमारी एक्वेरियम खाली हो गया। अभी मैं ला नहीं रही हूँ गर्मी के कारण, क्योंकि गर्मी में ना मर जाती हैं फिशीज़। और देखिए, बाहर का थोड़ा सा ऐसा है हमारा हॉल है, ये इसी के हम ड्राइंग रूम भी बोलते हैं, यही ड्राइंग रूम है, यही हॉल है और यही लिविंग रूम है। तो इस तरीके से ही है शाम का व्यू है, ये हॉल का भी इस समय थोड़ा सा सेट कर देते हैं। और देखिए, विंड चाइम लेकर आई थी मैं, ये इविल आइल वाली, इविल आई बने हुई हैं इसमें, ये रिंग्स हैं जो, और ये जब हवा चलती है ना बहुत अच्छा म्यूज़िक बजता है इसमें से अपने आप ही हिल के। तो देखिए, इस तरीके से है मेरा लिविंग रूम। तो आप बताइएगा आपको मेरा ये छोटा सा इवनिंग रूटीन कैसा लगा, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने कमेंट शेयर किया कीजिए और बताया कीजिए कि आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं। तो मिलती हूँ आपसे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो, व्लॉग, रेसिपी, DIY के साथ। तो प्लीज़ सब लोग फुल वॉच किया कीजिए वीडियो को, और देखिए सब्जी बनकर रेडी है। धन्यवाद दोस्तों, बाय, टेक केयर, सब लोग अपना ध्यान रखिए।